नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और लोक देवता की इस श्रेणी में हम बात करेंगे अपने अगले जो लोक देवता हैं उनकी। और आप सभी को भलीभांति पता होगा कि पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे तेजा जी की, गोगा जी की, हडबू जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी। अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक को जो लेकर आए हैं, हम वो लेकर आए हैं बीर कल्ला जी। बीर कल्ला जी राठौड़ एक लोक देवता हैं हमारे, उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, एक लोक देवता है बीर कल्ला जी राठौड़। बीर कल्ला जी राठौड़ की जब हम बात करें तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि बीर कल्ला जी राठौड़ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो बीर कल्ला जी थे, ये मेवाड़ में जो चित्तौड़गढ़ है उस चित्तौड़गढ़ में एक शाखा हुआ था, तीसरा शाखा। और तीसरा शाखा जो हुआ था उस शाखे में जो आक्रमणकारी था, वो आक्रमणकारी कौन था मेरे दोस्तों? आक्रमणकारी का नाम था अकबर। शासक कौन था? उदय सिंह। और उस तीसरे शाखे में इन्होंने अपना योगदान दिया, यानी कह सकते हैं इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों कब हुआ था? जन्म हुआ था 1544 ईस्वी। सामियाना गांव है कहां पर? नागौर में। सामियाना गांव और ये नागौर में स्थित है। कहां पर स्थित है? नागौर में। सामियाना गांव नागौर में स्थित है। दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, मेड़ता। और मेड़ता में एक हुए थे मेड़तिया। मेड़ता में मेड़तिया वंश जो हुआ था, उस मेड़तिया वंश के एक शासक थे जयमल मेड़तिया। ध्यान रखना, मेड़ता और मेड़ता में एक हुए थे, मेड़ता में हुए थे मेड़तिया। और मेड़तिया की जब बात करूं तो एक थे जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया के भतीजे, जयमल मेड़तिया के क्या थे ये दोस्तों? भतीजे थे। और दूसरा ध्यान रखना कि मीराबाई जो थी, वो मीराबाई का जन्म भी मेड़ता में, इनका लालन पालन हुआ था, तो मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि गुरु जो थे वो गुरु कौन थे? भैरवनाथ। गुरु की अगर हम बात करें तो गुरु इनके कौन थे? भैरवनाथ। भैरवनाथ इनके गुरु थे। यानी वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे वो सीधे सीधे पूछेगा। और सीधे सीधे क्या पूछेगा कि बीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कौन से गांव में हुआ था? सामियाना गांव। ये है कहां पर? नागौर में। इसके बाद पूछेगा कि ये मेड़ता मेड़तिया से इनका क्या संबंध था? तो ध्यान रखना, जयमल मेड़तिया जो था वो जयमल मेड़तिया के क्या थे? ये भतीजे। और मीराबाई इनकी क्या थी? बुआ थी। दूसरा ध्यान रखना, इनके गुरु, गुरु का नाम क्या मिलता है? भैरवनाथ। गुरु का नाम क्या मिलता है दोस्तों? भैरवनाथ। इनकी जो कुलदेवी है, और कुलदेवी कौन सी होगी? नागणेची माता। ध्यान रखना, इनकी कुलदेवी की जब मैं बात करूंगा तो कुलदेवी कौन सी होगी? लिख लेना, कुलदेवी, कुलदेवी होगी नागणेची माता, नागणेची माता। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो मेड़ता की बात करेंगे। और मेड़ता में इनका शासन था जयमल मेड़तिया का, और जयमल मेड़तिया जो थे वो इनके चाचा जी थे। दूसरा, आपको पदिवाती पता होगा कि एक दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक शाखा हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक शाखा हुआ था। यदि हम उस शाखे की बात करें तो वो शाखा तीसरा शाखा था। और तीसरे शाखे में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उस तीसरे शाखे की जब मैं बात करूंगा तो उस तीसरे शाखे में उदय सिंह शासक था, लेकिन ये बीर कल्ला जी है, ईश्वरी सिंह है, फत्ता सिसोदिया है, महाराणा प्रताप है,
चक्रपाणि मिश्र है, ये सारे मिलकर उदय सिंह को उस दुर्ग से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं कि महाराणा यदि आप जीवित रहे तो मेवाड़ का आप नेतृत्व कर सकते हो, परंतु यदि आप जीवित नहीं रहे तो फिर मेवाड़ को संभालने वाला व्यक्ति कौन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें तो उदय सिंह को बाहर निकाल देते हैं और फिर इसके बाद महाराणा प्रताप की बारी। महाराणा प्रताप पूरे जोर शोर के साथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इनको फिर भी लगता है वीर कल्ला जी और जयमल मेडतिया को कि यदि महाराणा प्रताप चले गए, महाराणा प्रताप को यदि कुछ हो जाता है इस युद्ध के दौरान, तो फिर बाद में मेवाड़ के जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों को जीतने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये क्या करते हैं कि महाराणा प्रताप और अजबदे जो उसकी उनकी पत्नी थी, उनके खाने में नींद की दवा मिलाते हैं और नींद की दवा मिलाकर और इनको बाहर दुर्ग से बाहर निकाल देते हैं। दुर्ग से बाहर निकाल देते हैं प्यारे दोस्तों, तब यहां का जो नेतृत्व करते हैं वो नेतृत्व जयमल मेडतिया और फत्ता सिसोदिया करते हैं। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, यदि हम बात करें जयमल मेडतिया और फत्ता सिसोदिया की, जयमल मेडतिया और एक होगा फत्ता सिसोदिया। जयमल मेडतिया फत्ता सिसोदिया ने 1567-68 में एक साका हुआ था, कहां पर? चित्तौड़ में, चित्तौड़। और चित्तौड़ में जो साका हुआ था, उस साके के दौरान जब वीर कल्लाजी, जयमल, ईश्वर सिंह ये अपने युद्ध में लगे हुए थे, तो देख रहे थे कि फत्ता सिसोदिया और जयमल मेडतिया ये सब्जियों के भांति दुश्मन सैनिकों को काट रहे थे। और इस चीज को देखकर अकबर ने सोचा कि यदि इसी प्रकार ये सूरवीर लड़ते रहे तो मेरी सेना का अंत आ जाएगा और मैं इस युद्ध को हार जाऊंगा। अकबर ने अपनी बंदूक थी संग्राम सिंह, संग्राम बंदूक, उस संग्राम बंदूक को निकाला और निकाल कर जयमल मेडतिया के दोनों पैरों को डैमेज कर दिया, यानी कि दोनों पैरों को ऊपर उन्होंने क्या मार दी, गोली मार दी, जिससे कि दोनों पैरों को जब खराब हो जाने के बाद वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे, वो गिर गए थे नीचे। इसके बाद जयमल मेडतिया ने अपने जो भतीजा है उस भतीजे को आवाज लगाई, बोले कल्ला काका को कंधा दे, और वीर कल्ला जी जयमल मेडतिया को क्या देते हैं, कंधा देते हैं। और कंधा देने के बाद वो युद्ध लड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो वीर कल्ला जी है, वो वीर कल्ला जी चार हाथ वाले देवता कहा जाता है इनको, चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, दो सिर वाले देवता कहा जाता है। तो उपनाम जब हम देखेंगे तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इनके उपनामों की अगर हम बात करें, उपनामों की जब बात करेंगे तो इन्हें ही कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार हाथों वाले देवता, चार हाथों वाले देवता। अच्छा, चार हाथों वाले देवता क्यों कहा जाता है? दो हाथ तो हो गए जयमल मेडतिया के और दो हाथ हो गए वीर कल्ला जी के, क्योंकि वीर कल्ला जी इनको क्या किस पे बैठाता है, कंधे पर बैठाता है। इनका दूसरा नाम मिलेगा बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी। इनकी शादी कृष्णा से होने ही वाली थी कि उससे पूर्व इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई तीसरे सांखे में, इसलिए इन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। इन्हें योगी भी कहा जाता है दोस्तों, इन्हें योगी। दूसरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इनका ही नाम मिलेगा कमधन, इनका ही नाम मिलेगा कमधन। और आप ये भी लिख सकते हो कि चित्तौड़ के तीसरे सांके 1567-68 में
वीर कल्ला जी वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, यानी कि ध्यान रखना। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वीर कल्ला जी की जो छतरी है, इधर लिख रहा हूं मैं, वीर कल्ला जी की छतरी, वीर कल्ला जी की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल, भैरव पोल ये है कहां पर, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भैरव पोल पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किस पर स्थित है मेरे दोस्तों, भैरव पोल पर स्थित है। तो पहली बात समझना, चार हाथों वाले देवता, क्योंकि चार हाथ इसलिए हो जाते हैं, वैसे इन्हें दो मुख वाला देवता भी कहा जाता है, दो मुख वाला देवता, वाला देवता। कैसे कि वीर कल्ला जी जो है वो वीर कल्ला जी जब युद्ध करते हैं तो जैमल मेड़तिया को अपने कंधे पर बिठाकर करते हैं, तो दो जैमल के हाथ थे और दो वीर कल्ला जी के थे, इसके मतलब कितने हो गए, चार। और दो, एक सर था वीर कल्ला जी का और दूसरा सर था किसका, जैमल मेड़तिया का, इसलिए कहते हैं दो मुख वाला देवता। इनके बाद इन्हें बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन भर क्या नहीं की, शादी। दूसरा इनको कहा जाता है योगी, योगी का मतलब ये योग में महारत हासिल थे, और बाद में कहा जाता है कमधन। और इसके बाद ध्यान रखना कि चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था 1567-68 में, उस तृतीय शाखे में, उस तीसरे शाखे में मेरे दोस्तों ये वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, दूसरा इनका जो मंदिर है वो बागड़ में है, बागड़ क्षेत्र में। और बागड़ क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बागड़ में 100 मंदिर है, कितने हैं 100 मंदिर। देखिए इनके प्रमुख मंदिरों की जब हम बात करेंगे तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्तों, अब देखिए प्रमुख मंदिर, बागड़ क्षेत्र, प्रमुख मंदिर कहां पर है, बागड़ क्षेत्र में है। और बागड़ क्षेत्र में इनके 100 मंदिर हैं, 100 मंदिर। और बागड़ क्षेत्र कहते कैसे हैं, किसको हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको कहते हैं बागड़ क्षेत्र। इनका मुख्य मंदिर जो है, देखिए ये इनका मुख्य मंदिर है मेरे दोस्तों। और ये मुख्य मंदिर है कहां पर, ये आपको ध्यान रखना है, मुख्य मंदिर सांवलिया डूंगरपुर में है। कहां पर है, सांवलिया। और ये सांवलिया है कहां पर, डूंगरपुर। सांवलिया डूंगरपुर में इनका मुख्य मंदिर है, जो कि वीर कल्ला जी के नाम से माना जाता है, वीर कल्ला जी राठौड़, कल्ला जी राठौड़, राठौड़ जाति के राजपूत थे ये। वीर कल्ला जी राठौड़ का सांवलिया में एक मंदिर है और काले पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। इनके मंदिर में किसको पूजा जाता है, ध्यान रखना, काले पत्थर की मूर्ति को पूजा जाता है। काले पत्थर की मूर्ति को क्या किया जाता है दोस्तों, पूजा जाता है। और दूसरा ध्यान रखना, केसर व अफीम छंडाई जाती है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि क्या छंडाई जाती है यहां पर, यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों छंडाई जाती है केसर और अफीम, या फिर मैं इससे लिख देता हूं दूसरे पेन से जिससे आपको ध्यान रहेगा, केसर और अफीम छंडाई जाती है, छंडाई जाती है, केसर और अफीम छंडाई जाती है दोस्तों।
इसके बाद ध्यान रखना, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो प्रमुख मंदिर एक और है, और ये कहां पर है? रेनेला। रेनेला मेरे दोस्तों कहां पर पड़ता है? ये रेनेला भी चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए, ये एक और मंदिर है इनका, और ये मेरे दोस्तों कहां पर है? रेनेला। और रेनेला है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ रेनेला में ये मंदिर है जो कि प्रमुख सिद्धपीठ कही जाती है। यहां पर इनकी मूर्ति की पूजा होती है। यहां पर इनकी किसकी होती है? मूर्ति की पूजा होती है, यानी कि मुख्य सिद्धपीठ, मुख्य सिद्ध पीठ। मुख्य सिद्ध पीठ कहां पर है? रेनेला में। किसकी? वीर कल्ला जी की। ध्यान रखना, तो कल्ला जी राठौड़ का मंदिर। अच्छा, एक मंदिर था वो था सांवलिया, और सांवलिया जो मंदिर है वो कहां पर है? डूंगरपुर। और दूसरा ध्यान रखना, वहां पर केसर और अफीम चढ़ाई जाती है और पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है, जबकि यहां पर जो मंदिर है चित्तौड़ में, रेनेला चित्तौड़ में, वो रेनेला चित्तौड़ में जो मंदिर है उस मंदिर में इनकी खुद की प्रतिमा की पूजा की जाती है। और प्रतिमा की जब मैं बात करूं तो उसे कहा जाता है मुख्य सिद्धपीठ, मुख्य सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनके जो चाचा थे वो चाचा थे कौन? जैमलियम, जैमल मेडतिया। और वो इस प्रकार से देख लो, यहां पर अपने कंधे पर बिठाकर, और जब ये क्या करते हैं? युद्ध करते हैं दोस्तों। तो ये कैसे क्या कहलाते हैं? चार हाथों वाले देवता कहा जाता। एक, दो, तीन, चार। कितने हाथ वाले? चार हाथ वाले देवता। यानी कि ध्यान रखना, दूसरा मैंने कहा था कि उस साके में जो है अकबर ने आक्रमण किया था, और अकबर से युद्ध करते हुए ये वीरवती को प्राप्त हुए, इसलिए इसे कहा जाता है कमधण। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे अपने कल्ला जी। अब हम बात करेंगे अगले लोक देवता की, इसी में, जिसमें एक तो करेंगे हम तल्लीनाथ जी की और दूसरी करेंगे हम मल्लीनाथ जी की। देखिएगा, एक तो है मल्लीनाथ जी और दूसरे हैं तल्लीनाथ जी। दोनों के बारे में हम बात करते हैं। एक है राव मल्लीनाथ और राव तल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ और राव तल्लीनाथ। ये राव तल्लीनाथ और राव मल्लीनाथ की अगर बात करें तो ध्यान रखना, इनको राव की तो क्या थी? उपाधि प्राप्त थी। रावल राव शाखा के थे, राठौड़ थे। और ध्यान रखना, इन्हें कहां कह सकते हैं अपन? तल्लीनाथ जी राठौड़, और इन्हें कह सकते हैं मल्लीनाथ जी राठौड़। अब देखिएगा, मैं एक एक की बात करूंगा। यहां पर अगर राव तल्लीनाथ जी की बात करें तो मूल नाम, अगर मूल नाम की बात करूंगा मैं तो इसका जो मूल नाम है वो मूल नाम है गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़, मूल नाम क्या मिलता है दोस्तों? गांगदेव राठौड़। और जबकि इनके जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनके जन्म की जब बात करूंगा तो जन्म हुआ था शेरगढ़ में। कहां पर हुआ था? शेरगढ़। और शेरगढ़ है कहां पर? जोधपुर में। इनके जो पिता हैं, उन पिता का अगर नाम देखें तो पिता कौन थे? बीरमदेव। पिता कौन थे? बीरमदेव। बीरमदेव इनके क्या हैं? पिताजी हैं, जो कि शेरगढ़ ठिकाने के क्या थे? जागीरदार। शेरगढ़ ठिकाने के जागीरदार। शेरगढ़ ठिकाने के जागीर थे, जागीरदार थे कौन? राव बीरमदेव जी। इसके बाद हम बात करें
तो ये जो शेरगढ़ ठिकाने के जागीरदार थे भीरमदेव जी, ये भी राठौड़ जाति के राजपूत थे, और इनके जो गुरु हैं वो कौन है, गोरखनाथ। इनके गुरु के बारे में अगर पूछे आपसे कोई, गुरु गुरु कौन थे, गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ। दूसरा एक चीज और ध्यान रखना कि जालौर के ये मुख्य लोक देवता थे, यहां पर लिख रहा हूं मैं, जालौर के मुख्य लोक देवता, मुख्य लोक देवता, जालौर के मुख्य देवता थे। और जालौर के जो मुख्य देवता थे, तो देखिए यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये जालंधर नाथ है बेटा, जालंधर नाथ, जालंधर नाथ। और जालंधर नाथ का जो मंदिर है वो मुख्य केंद्र किसको बनाया, सिरे मंदिर को, सिरे मंदिर मुख्य केंद्र किसे बनाया, सिरे मंदिर को, जो जालौर दुर्ग के बिल्कुल सामने स्थित है, जालौर दुर्ग के सामने स्थित है सिरे मंदिर। और उस सिरे मंदिर को जालंधर नाथ ने क्या बताया था, बनाया था, प्रमुख केंद्र बनाया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जालौर जो है, उस जालौर दुर्ग में, जालौर दुर्ग में संत सदरुद्दीन की दरगाह, दूसरा उस संत सदरुद्दीन की दरगाह के जस्ट सामने इनका जो मंदिर है सिरे मंदिर वो है। इसलिए इनको ध्यान रखना है कि इनका जो प्रमुख मंदिर मिलेगा, वो प्रमुख मंदिर मिलेगा, मंदिर कहां पर मिलेगा इधर देख लो, फिर इसके बाद में बता दूंगा मैं। एक है पांचोटा गांव, पांचोटा गांव, और पांचोटा गांव है कहां पर मेरे दोस्तों, ये है जालौर में। और जालौर में ध्यान रखना पंचमुखी पहाड़ी पर, जालौर में कौन सी पहाड़ी पर है मेरे दोस्तों, पंचमुखी पहाड़ी, जालौर में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। और इस पंचमुखी पहाड़ी पर किससे संबंधित है, यह ध्यान रखना राव तल्लीनाथ जी से संबंधित है। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इधर लिख देता हूं, पांचोटा गांव, यहां पर ध्यान रखना पांचोटा गांव, पांचोटा गांव, और पांचोटा गांव है कहां पर, जालौर, और जालौर में पंचमुखी पहाड़ी पर, पंचमुखी पहाड़ी। इसके बाद देखिए दोस्तों, तिलवाड़ा बाड़मेर में जन्म होता है राव मल्लीनाथ का, राव मल्लीनाथ का जो जन्म होता है वो होता है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा है कहां पर, बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका क्या होता है दोस्तों, जन्म। और तलवाड़ा जो है वो तलवाड़ा कहां पर है, बांसवाड़ा में। देखो एक तो है तिलवाड़ा और एक तलवाड़ा, ये तलवाड़ा और तिलवाड़ा दोनों में ध्यान रखना, एक है बांसवाड़ा में, ये है बांसवाड़ा में। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राठौड़ मारवाड़ में राठौड़ वंश के जो संस्थापक हुए थे वो थे राव सिंहा, और राव सिंहा ये थे राठौड़ वंश के, किस वंश के थे, राठौड़ वंश के। दूसरा ध्यान रखना, राव सिंहा जो है राव सिंहा जिन्होंने राम मल्लीनाथ जी को आस्थान, आस्थान आस्करण कहा, आस्थान आस्करण, आस्थान आस्करण कहा, और धुवड़, राव भीरमदेव और राव मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी दोनों भाई थे, राव भीरमदेव और राव मल्लीनाथ जी दोनों क्या थे दोस्तों, भाई थे, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए दोस्तों, राव तल्लीनाथ जी के बारे में,
आगे, मारवाड़ के शासक राव सलका के पुत्र, पहली बात तो ध्यान रखना ये जो थे तल्लीनाथ जी ये मारवाड़ के शासक थे, मारवाड़ के शासक। दूसरा आपको ध्यान रखना राव सलका जी के पुत्र, राव सलका जी के क्या थे ये पुत्र थे, और साधु के आशीर्वाद से इनका जन्म और नामकरण हुआ था, ध्यान रखना साधु के आशीर्वाद, आशीर्वाद से जन्म व नामकरण हुआ, जन्म व नामकरण जो है एक साधु के आशीर्वाद से होता है। रानी रूपादे के प्रभाव में आकर उगम जी वाटी की शिष्यता ग्रहण कर लेते हैं। रानी रूपादे के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर, आपसे पूछ लेगा किसके प्रभाव में आकर, तो रानी रूपादे के प्रभाव में आकर किसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, उगम सी भाटी की, उगम सी भाटी की, उगम सी भाटी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और उगम सी भाटी से इतने प्रभावित होते हैं ये दोस्तों कि उगम सी भाटी से प्रभावित होकर ये राजपाट छोड़ देते हैं, राजपाट, राजपाट बिल्कुल छोड़ देते हैं, राजपाट पर ध्यान नहीं देते, राजकार्यों को त्याग देते हैं, क्योंकि इतने प्रभावित होते हैं उनके उपदेशों से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रताप सिंह खिंची जो है, वो प्रताप सिंह खिंची अपने राजपाट को छोड़कर वो रामानंद और रैदास के साथ चला जाता है और बाद में संत पीपा जी के नाम से क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। देखिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों इनका मुख्य मंदिर, देखिए तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर, तिलवाड़ा बाड़मेर में किसका मंदिर है दोस्तों, राव मल्लीनाथ जी का मंदिर, यहां पर ध्यान रखना राव मल्लीनाथ जी का मंदिर, राव मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बाड़मेर में, और यहां पर इनकी समाधि की पूजा की जाती है, यहां पर इनकी समाधि है, समाधि की पूजा। दूसरा ध्यान रखना यहां पर पास में ही एक और मंदिर है और यह है रानी रूपादे का मंदिर, रानी रूपादे का मंदिर, और ये रूपादे का मंदिर जो है दोस्तों ये मालाजाल बाड़मेर में है, मालाजाल एक गांव है, कौन सा, मालाजाल, मालाजाल, और मालाजाल है कहां पर, बाड़मेर में। और ध्यान रखना इन मंदिरों के बीच का जो प्रदेश है, इन मंदिरों के बीच का जो प्रदेश है दोनों के मध्य का प्रवेश, वो कहता है मालाणी प्रदेश कहा जाता है, मालाणी प्रदेश। और मालाणी प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि राव तल्लीनाथ जी और रानी रूपादे के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है मालाणी प्रदेश। ध्यान रखना यहीं पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का पशु मेला,
मालानी प्रदेश जो है, उस मालानी प्रदेश में ही पशु मेला लगता है राव मल्लीनाथ जी का, और लूणी नदी के किनारे। सबसे बढ़िया बात यहां पर जो मिलेगी वो क्या है, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना ये चीज कि मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला लगता है वो पशु मेला कहां पर लगता है मेरे दोस्तों, वो लगता है लूणी नदी के किनारे, और लूणी नदी के किनारे तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जहां पर मल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जो मेला लगता है ये मेला राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, प्राचीन मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है, कौन सा, मल्लीनाथ जी का मेला। दूसरा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है यहां पर, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्रय विक्रय। जबकि तेजाजी का जो मंदिर, तेजाजी का जो मेला है, देखिए ये मल्लीनाथ जी का जो मेला है पशु मेला, जिसमें सर्वाधिक पशुओं का क्रय विक्रय होता है, जबकि तेजाजी का जो मंदिर लगता, मेला लगता है रूणेचा, तो ध्यान रखना वहां पर मेरे दोस्तों, रूणेचा में नहीं, वहां पर आपको ध्यान रखना है, तेजाजी का जो मेला पर्वतसर में लगता है, पर्वतसर पनेर से सीधा पर्वतसर में वो ट्रांसफर हो जाता है, और पर्वतसर में जो मेला लगता है वहां पर सर्वाधिक आय होती है, सबसे ज्यादा आय होती है। और ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये लगता है चैत्र शुक्ल, ये लगता है चैत्र शुक्ल। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, इनका जो मुख्य मंदिर है राम मल्लीनाथ जी का वो है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में, और यहां पर इनकी समाधि की पूजा की जाती है। मालानी प्रदेश का आ जाता है रानी रूपादे का मंदिर और मल्लीनाथ जी के मंदिर के मध्य के क्षेत्र को, ध्यान रखना ये कहां पर है, मालाजाल बाड़मेर में है। दूसरा मल्लीनाथ जी का यहां पर लूणी नदी, लूणी नदी के किनारे क्या लगता है, मेला लगता है पशु मेला, और ये पशु मेला जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, जो कि चैत्र शुक्ल में लगता है, और सर्वाधिक क्रय विक्रय वाला मेला भी कहा जाता है दोस्तों। तो जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए दोस्तों एक और लोक देवता देख लीजिए, यहां पर छोटा सा लोक देवता है, आज ये लोक देवता का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसी के संदर्भ में। देखिए एक है देव बाबा, एक है देव बाबा, और ये देव बाबा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना ये ग्वालों के आराध्य देव, ग्वालों के आराध्य देव माने जाते हैं, ग्वालों के आराध्य देव माने जाते हैं। पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था इन्हें, पशु चिकित्सा का क्या था इनको, अच्छा ज्ञान था दोस्तों, ध्यान रखना यह आपको ध्यान रखना है, पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान था, पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान इनको है। और इनका प्रमुख जो मंदिर है वो प्रमुख मंदिर कहां पर है दोस्तों, प्रमुख मंदिर खूब जानते होंगे आप, अच्छे से जानते होंगे इस चीज को, इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है नगला जहाज, नगला जहाज, और ये नगला जहाज है कहां पर, भरतपुर में, भरतपुर में नगला जहाज में इनका क्या है, मुख्य मंदिर है, प्रमुख मंदिर है दोस्तों। तो देखिए देव बाबा की जब हम बात करेंगे तो देव बाबा है ग्वालों के आराध्य देव माने जाते हैं, पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान है, और प्रमुख मंदिर जो है वो कहां पर है, नगला जहाज, और नगला जहाज है कहां पर, भरतपुर में मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जो है लोक देवता के जो टॉपिक है हमारे ये कंप्लीट होते हैं। लोक देवता की जो हम बात कर रहे थे कला संस्कृति के अंतर्गत, वो लोक देवता हमारे संपूर्ण हुए आज। उम्मीद करता हूं आपको सारी क्लासें भली भांति समझ में आई होगी। आप सभी विद्यार्थी इन वीडियोज को वापस रिमाइंड करके देख सकते हो, जब आपका मन करे तब आप एबी जॉब जो चैनल है उस चैनल पर जाकर आप इन वीडियोज को देख सकते हो और पढ़ाई का संपूर्ण आनंद ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।